गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 4 का 3 है। स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। यस, एक टेस्ट में 40 मार्क्स स्कोर करता है, ठीक है। यस, एक टेस्ट में 40 मार्क्स स्कोर करता है। ऐसा है कि ईच राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिया जाता है और ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए है ना, सो 1 मार्क काट लिया जाता है। इस हिसाब से यस एक टेस्ट में 40 मार्क्स स्कोर करता है। अब प्रश्न है कि यस ने टेस्ट में कितना करेक्ट आंसर दिया और कितना इनकरेक्ट आंसर दिया। तो करेक्ट आंसर एक्स लेट कर लेंगे और इनकरेक्ट आंसर वाई लेट कर लेंगे। यानी यस एक टेस्ट में कितना सही आंसर दे करके आता है एक्स और कितना गलत आंसर दे करके आता है वाई। स्टूडेंट एक सही आंसर पर 3 मार्क्स मिलता है। यस ने एक्स सही आंसर दिया, उसके लिए यस को 3x नंबर मिलेगा। बट एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क काट लिया जाता है। यस ने गलत आंसर वाई दिया तो इस हिसाब से उसको वाई मार्क्स कट जाएगा। फाइनली उसको कितना मार्क्स मिलेगा, 3x माइनस वाई, और वो मार्क्स है जो स्कोर के द्वारा यस के द्वारा स्कोर किया गया वो 40 है। तो इसको इसके इक्वल करेंगे। दूसरा जो केस है उसमें क्या है कि ईच करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर दी मिलता है। आंसर कितना करेक्ट दिया गया है एक्स, तो एक्स करेक्ट आंसर के लिए यस को 4x मार्क्स मिलेगा है ना, और ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स कट हो जाता है। तो इनकरेक्ट आंसर है कितना वाई, इसके लिए इस हिसाब से कितना मार्क्स कटेगा 2y। फाइनली कितना मार्क्स मिलेगा 4x माइनस 2y और वो मार्क्स है कितना 50। अब स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन से यदि हम सॉल्व करेंगे तो x और y किसी एक को इक्वल करना होगा। मैंने y को इक्वल किया, इसके लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेगा है कि नहीं, तो y दोनों में इक्वल हो जाएगा। इसके अलावा साइन भी चेंज करना है तो सब्ट्रैक्ट करके साइन चेंज कर लेंगे, फिर x 15 आता है और x का वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी एक में रखेंगे तो y कितना आता है 5। तो है ना इच तो कितना वो करेक्ट आंसर दे करके आता है यस 15 है ना। तो यस करेक्ट आंसर कितना देता है 15 और इनकरेक्ट आंसर कितना देता है 5। ओके स्टूडेंट्स थैंक्स।